अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर खुर्रम शिराज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहैब होम में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, और रोज़ाना जो इंसान को जो है किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से जो है एंजाइटी होती है, वो एंजाइटी क्या है, यानी कि रोज़ाना की डेली की रूटीन में पैदा होने वाली एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारे पास अक्सर जो है स्टूडेंट्स आते हैं और वो जो है कुछ स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो या फिर कोई और जो है उनके पर्सनल इश्यूज़ होते हैं या बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन्होंने जो है अपने आप को लेबल किया होता है कि मुझे जो है एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया है। तो जब उनकी डिटेल से जो है हिस्ट्री ली जाती है और सारी चीज़ें जो है एक साइकोपैरामेटिक के ऊपर जो है चेक की जाती हैं, तो फिर हमें मालूम होता है कि ये जो है डेली रूटीन की डिस्टर्बेंस की वजह से होने वाली एंजाइटी है। तो अब हम बताएं कि एंजाइटी क्या होती है और एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। जी, सबसे पहले तो हम अगर एंजाइटी की बात करें, ये होता क्या है? एक तशवीश की हालत होती है जो किसी भी बंदे के अंदर पैदा हो सकती है, और इसका होना भी ज़रूरी है, और इसका इतना ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ को मुतासर करना शुरू कर दे। अब एंग्जाइटी की जब हम बात करते हैं, OCD भी इसमें आ जाता है, सोशल एंग्जाइटी होती है, जनरलाइज एंग्जाइटी होती है, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी होती हैं। तो अगर हम इनकी बात करें कि जी एंग्जाइटी और एवरीडे जो एंग्जाइटी है उसमें क्या फ़र्क है और एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है, अगर तो आपको यानी कि सपोज एक बच्चा है, वो तालिबे इल्म है और उसको प्रेजेंटेशन उसने प्रेजेंट करना है सुबह क्लास में जाके, और उसकी वो तैयारी कर रहा है। आज वो तैयारी कर रहा है, आज वो परेशानी में बार बार कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो ये सब कुछ कर रहा है। अगर वो ये सब कुछ कर रहा है और सुबह वो क्लास में भी चला जाता है और प्रेजेंट भी कर देता है, तो ये एवरीडे एंग्जाइटी है, ठीक है। और अगर अब एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या है, प्रेजेंटेशन है, वो बंदा उसकी हार्ट बीट तेज होना शुरू हो गई है, उस बंदे को चक्कर आना शुरू हो गए हैं, बंदे को मैदे में भी दर्द स्टार्ट हो गया है, बंदा जो है वो अब सुबह जाने के लिए विलिंग ही नहीं है, वो क्लास ही छोड़ देता है, वो इवन के बेड पे लेट जाता है, तो ये क्या है? एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, क्योंकि उसने उसकी डेली लाइफ को मुतासर कर दिया, वो कोई भी काम वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहा। एवरीडे एंग्जाइटी में अगर सपोज कोई बंदा ऐसा है जो कि अपना गोल, कोई हर बंदे की ज़िंदगी में बहुत से मकासद होते हैं, अगर उस मकासद के लिए मोटिवेशन के साथ थोड़ी सी एंग्जाइटी ना हो तो वो बंदा उसमें कामयाब और कामरान नहीं हो सकता। एंग्जाइटी का एलिमेंट जो है वो किसी बंदे की कामयाबी में एक अहम रोल अदा कर सकता है, क्योंकि जब तक एंग्जाइटी नहीं होगी हम उस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे, हम उस चीज़ के बारे में कोशिश नहीं करेंगे, और जो हमारी कोशिश और जो हमारी काविश होगी है ना, वो इस डर को में कि कहीं मैं दूसरे लोगों से हार ना जाऊँ, ये हमें दूसरों का मुकाबला करना सिखाती है, और हम अपनी लाइफ में आगे से आगे अपने गोल्स को अचीव करते हुए बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर यही वाली चीज़ कि जी हम उसको इतना जेन पर सवार कर लें कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो भी उससे मुतासर हो रही है, और हमारा सोना, हम सो नहीं पा रहे सुकून से, बेचैनी की कैफियत वो बढ़ गई है, भूख वगैरह लगने में प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट बीट तेज हो गई है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, या चक्कर आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर वो आपके साथ हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो गए, और इसकी वजह से आप कई कई हफ्ते कई कई महीने जो है वो अपने काम पे नहीं जा रहे, आप अपनी फैमिली से बातचीत नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। शुक्रिया सर कोरमा कि आपने जो है एंग्जाइटी को एक्सप्लेन किया। आई होप सो कि आप लोगों की एंग्जाइटी की समझ आ रही होगी। कोई भी अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।